तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज और आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल YT टेक्निकल ज्ञान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन लेके आए दोस्तों, जो कि अभी WhatsApp को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों WhatsApp में कुछ नए पॉलिसी आए हैं जिसके कारण अब लोग WhatsApp को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों, आपके भी WhatsApp पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, और अगर यहाँ पर आप नोट मारते हैं और एग्री नहीं मारते हैं, अगर आप नोट बराबर मारते हैं तो आपका WhatsApp ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है WhatsApp की तरफ से ही आ रहा है, इसमें दोस्तों आपके डेटा के लेकर है, मतलब कि आप अपने WhatsApp पर जितना भी गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें आप WhatsApp चलाते हैं तो चैट करते हैं, बात करते हैं, वो मतलब बहुत सारा फोटोज वीडियो जो होता है, बैंकिंग वैकिंग में जो काम करते हैं, बहुत सारा आपका डेटा WhatsApp पर मतलब रहता है। तो अब वो सभी डेटा दोस्तों WhatsApp भी अपने पास रखना चाहता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मतलब अच्छा नहीं, मतलब एक तरह से अच्छा भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी का डाटा मतलब जितना होता है, अगर कोई दूसरा पार्टी रखे तो अच्छा नहीं है। तो वैसे दोस्तों WhatsApp ने उस पॉलिसी को जारी किया है कि आपको वहाँ पर एग्री करना ही होगा, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आपका जो WhatsApp है डिलीट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग दोस्तों इस मतलब पॉलिसी से नाराज हैं, तो वैसे में आप WhatsApp को छोड़ते मतलब छोड़ के जा रहे हैं। और एक नया एप्लीकेशन आ गया दोस्तों, जिसका नाम है सिग्नल, और बिल्कुल ही दोस्तों ये मतलब WhatsApp की तरह ही काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिग्नल, और यही एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होगा, और अगर आप इस एप्लीकेशन को पहले से यूज कर रहे हैं, कोई बैकअप रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं रीस्टोर बैकअप। जैसे इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों, आपके जितने भी इस एप्लीकेशन में चैट होगा, मतलब जो जो आप इस पर गतिविधि किए होंगे, वो सभी के सभी आपके फिर से वापस आ जाएगा इस एप्लीकेशन में। तो चलिए अभी सब फर्स्ट टाइम मतलब यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद फिर से हम इसे परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, फिर से अलाउ करते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना होगा, तो चलिए हम अपने नंबर को यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम नंबर को फिल कर दिए। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों, आपके सामने जिस तरह से यहाँ प्रोसेसिंग लेगा, मतलब कुछ सेकंड वेट करना होगा, और जैसे WhatsApp पर मतलब OTP आता है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पिन मतलब बनाना होगा, एक तरह से यहाँ पर आप पासवर्ड भी उसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक पासवर्ड भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, वेरीफाई हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना नाम को मतलब यहाँ फिल कर सकते हैं कुछ, जैसे मतलब आप WhatsApp में नाम को यहाँ पर अपना फिल करते हैं, उस तरह से यहाँ पर आप नाम फिल कर सकते हैं। चलिए शुरू वाला नाम हुआ, इसके बाद लास्ट नाम है, तो चलिए यहाँ पर कुमार मार देते हैं। इसके बाद दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फोटो अपना WhatsApp में जैसे मतलब WhatsApp में लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हैं, और बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना नाम को फिल कर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों दाएं साइड में ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपके WhatsApp पे मिलता है, तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों। और जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप WhatsApp पर अपने प्रोफाइल फोटो को चेंज करते हैं, जो जो आपको WhatsApp में मिलता है, यहाँ पर आपको उसी तरह का मतलब इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन होगा, पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ से आप मतलब अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके WhatsApp पर जैसे कोई फ्रेंड चलाता है WhatsApp, अब वैसे देखिए यहाँ पर आते होंगे तो यहाँ पर जितना भी आपका मित्र होगा सभी के सभी आ जाएंगे, तभी इस एप्लीकेशन का जो मेरा फ्रेंड है यूजर नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सर्चिंग अभी ले रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आपका जो दोस्त होगा जुड़ने लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर नेम और नंबर, यहाँ से दोस्तों सर्च कर सकते हैं अपने फ्रेंड के नाम से भी, नंबर से भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दाएं साइड में देख सकते हैं 3 डॉट है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पर दोस्तों रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू ग्रुप बनाने का मिल जाएगा, इन्वाइट अपने फ्रेंड को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक आइकन इस तरह का मिलेगा, यहाँ से दोस्तों नंबर से मतलब सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप नाम अपने फ्रेंड को मतलब
टाइप करके सर्च कर सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एप्लीकेशन वर्क करता है और बहुत ही मतलब अच्छा एप्लीकेशन देखने में तो लग रहा है दोस्तों। अभी यूज हम नहीं किए हैं मगर देखने में तो व्हाट्सएप जैसा ही है। तो आप भी इसे एप्लीकेशन को एक बार यूज करके देखिए, आपको कैसा लगता है हमें वो भी बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही।